नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 16 अप्रैल की ग्रह स्थिति देखते हैं। मेष राशि में सूर्य, शुक्र वृषभ राशि, मिथुन राशि में राहु, केतु धनु राशि, शनि मंगल गुरु और चंद्रमा मकर राशि और मीन राशि में बुध बैठे। यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं, शुक्र स्वगृही है, राहु ठीक पोजीशन में है, केतु ठीक पोजीशन में है, चंद्रमा शनि मंगल गुरु ये खराब पोजीशन बन रही है। कई तरह के संक्रमण की स्थिति यहाँ पे पैदा कर रहे हैं और नीच का बुध इस समय मानसिक तौर पे स्थिति को खराब करेगा। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, ये सारी चीजें क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा तन के साथ साथ मन का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाएगा पूरे जनमानस के लिए। और हमारी सबसे अपील है कि जो भी सरकार द्वारा, हेल्थ विभाग द्वारा जो भी चीजों की गाइडलाइन करी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के सारी चीजों का, उसका जरूर पालन करें। आइए राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष राशि की स्थिति बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत में थोड़ी सी अच्छी बात दिख रही है, फिर भी अभी बहुत अच्छी बात नहीं दिख रही है। संतान पक्ष से लगाव होगा, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, बट शारीरिक स्थिति पर पूरा ध्यान रखें। प्रेम सही है, व्यापार धीरे धीरे चलेगा और स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम है। कोई भी लाल वस्तु पास रखना आपके लिए उचित होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, ऊर्जा का स्तर ठीक है, प्रेम की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, संतान की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। सब पे ध्यान रखिए, अपनों पे ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और व्यवसाय की स्थिति धीरे धीरे आगे चल के ठीक हो जाएगा। आपको लाल वस्तु का दान करना उचित होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले लोग बहुत बच के पार करें। इम्यून सिस्टम बहुत घटा हुआ है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार, स्वास्थ्य, संतान सब मध्यम है, प्रेम मध्यम है, थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। हरी वस्तु पास रखें, लाल वस्तु का दान करें उचित। कर्क राशि, कर्क राशि की स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य पे और अपने स्वास्थ्य पे और संबंधों पे बहुत ज्यादा बच के पार करें। आपकी स्थिति खराब दिख रही है, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, प्रेम पे भी ध्यान दीजिए, संतान पे ध्यान दीजिए, व्यवसाय पे ध्यान दीजिए, सब कुछ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई रिस्क लेने लायक काम नहीं। शिव जी को मानसिक तौर पे प्रणाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा। सिंह राशि, पहले से थोड़ी स्थिति जरूर सुधार में है, प्रेम के तौर पे, संतान के तौर पे और ऊर्जा के तौर पे। फिर भी किसी भी तरीके कोई रिस्क मत लीजिए। स्वास्थ्य ठीक है, व्यापार जो भी उस तरीके का काम कर सकते हैं जो सरकारी स्थिति में काम करे उनके लिए ठीक है और प्रेम की स्थिति करीब करीब ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सूर्य को जल देना और पीली वस्तु पास रखना आपके लिए उचित होगा। कन्या राशि, बहुत जरूरत है स्वास्थ्य पे ध्यान देने के, क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन हुआ है बुध के बीच होने की वजह से। स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम तीनों पे ध्यान रखें। शनिदेव को मानसिक तौर पर प्रणाम करें। तुला राशि, तुला राशि की स्थिति थोड़ी सी सुधार की तरफ है, फिर भी अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मन से बड़े परेशान होने के संकेत है, प्रेम को लेकर के, मन को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, हर दृष्टिकोण से अभी मध्यम समय चल रहा है। शनिदेव को याद करिए, प्रणाम करिए मानसिक तौर पे और मंत्रोच्चारण करिए, अच्छा। वृश्चिक राशि, एनर्जी लेवल घटती बढ़ती रहेगी, क्रोध आता जाता रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार तीनों मध्यम दिख रहा है,
लाल वस्तु पास रखिए और पीला तिलक लगावें आपके लिए अच्छा। धनुराशि, धनुराशि की स्थिति, धन के मामले में कोई रिस्क मत लीजिए। इस समय कहीं भी पैसा लगाना आपके लिए उचित नहीं होगा, संरक्षित करिए। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सब मत है। केसर का तिलक लगाएं, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का अच्छा। मकर राशि, कई तरह की स्थिति के शिकार है इस समय, कभी बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी बहुत खराब फील करेंगे, कभी बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, कभी बहुत पॉजिटिव। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार तीनों मध्यम देखना है। मानसिक तौर पर शनिदेव को प्रणाम करिए अच्छा होगा। कुंभ राशि, बहुत बच के पार करिए, एक खराब स्थिति आपके सामने खड़ी है। स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम तीनों के लिए अच्छा नहीं है। लाल वस्तु का दान करिए और शनिदेव को मानसिक तौर पर प्रणाम करिए अच्छा। मीन राशि, मानसिक तौर पे चीजों को थोड़ा नेगेटिव आकलन करके मन परेशान रहे, इस पे ध्यान दीजिए, चीजें आगे चल के बहुत अच्छी हो जाएंगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार इस समय तीनों मध्यम है, बहुत बच के पार करिए, लेकिन आने वाला दिन आपका है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए अच्छा होगा। नमस्कार।